ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इंडिया में बहुत बड़ा अपडेट लेके आया है, क्योंकि आप सेलर्स के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ONDC का क्या अपडेट है, ये आप बताएं। मैं आपको बताऊं, मिस्टर पीयूष गोयल ने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया मीडिया को कि हमारा जो वेबसाइट है या जो ONDC नेटवर्क है वो सितंबर के एंड तक, मीन्स इस महीने के अंत तक लगभग कुछ शहरों में लाइव कर दिया जाएगा, जहां पे आपको ONDC की पूरी फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी जो ONDC चलाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बीटा वर्जन है जो कुछ ही शहरों में चल रहा है, और बहुत कम ही ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं या ऐप हैं या थर्ड पार्टी सेलर्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनमें से ज़्यादातर ग्रोसरी या फूड आइटम्स को सेल कर रहे हैं। लेकिन अब ONDC को पूरी तरीके से बना लिया गया है और कुछ शहरों में इसको कंप्लीटली लॉन्च कर दिया जाएगा, जहां पे बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी, ऐसा मिस्टर पीयूष गोयल ने बताया है। ऐसा लगता है कि इस आने वाली फेस्टिव सीजन में ONDC भी अब काम करने लगेगा, लेकिन सारे शहरों में तो अभी ये काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये कुछ ही शहरों में या बड़ी मेट्रो सिटीज में ही शायद पहले काम करने वाला है। फिलहाल अभी ये डिक्लेयर नहीं किया है कि किन शहरों में ONDC का कंप्लीट वर्जन लॉन्च किया जाएगा। जो लोग आप में से कंफ्यूज हैं कि ONDC एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको बता दूं, ONDC सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर रहा है। बायर्स सेलर्स इनके जो ऐप हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं, लाइक पेटीएम हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जियो मार्ट हो गया, ये तो सब अपने ऐप हो गए। ONDC करेगा क्या कि जो लोग ONDC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब का ट्रैक अपने पास रखेगा, और जब भी कोई कस्टमर किसी भी ऐप पे जाके अपनी कोई भी क्वेरी करेगा या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो वहाँ पे उसको जो उस प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट हैं उसके साथ ही साथ जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ONDC से जुड़े हुए हैं उनके भी प्रोडक्ट सजेशन में दिए जाएंगे या वो दिखाए जाएंगे। बाकी उस कस्टमर की मर्जी है कि वो किस ऐप से परचेजिंग करता है, उसके बाद उस ऐप को डिसाइड करना है कि वो डिलीवरी वो खुद कराएगा या यहाँ ONDC में जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर लिंक हैं उनसे वो डिलीवरी करवाएगा। तो ONDC सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर रहा है, जैसे UPI बेस्ड नेटवर्क में होता है। तो जो काम करेंगे यहाँ पे लोग वो बायर्स एंड सेलर्स ऐप ही करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अगर ये सब लिंक हो गए तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट flipkart.com से खरीदना है तो आप flipkart.com पे जब सर्च करेंगे उस प्रोडक्ट को या ONDC के थ्रू जाके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ जो flipkart.com पे प्रोडक्ट हैं सिमिलर प्रोडक्ट हैं, वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे लिस्टेड हैं या कहीं और लिस्टेड हैं तो वो भी उस कस्टमर को दिखाए जाएंगे, जिससे उसको एक बेटर ऑप्शन मिल सके और वो अपनी परचेजिंग कर सके। तो इस तरीके से ONDC इंडिया में काम करने वाला है, लेकिन अभी कंप्लीट वर्जन कह तो रहे ये कि लॉन्च होने ही वाला है, कुछ ही सिटी में अभी लॉन्च होगा क्योंकि अभी एक मेन टेस्टिंग होना बाकी है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये बहुत एडवांस होगा और बहुत रोबस्ट होगा, जहां पे किसी भी सेलर के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी और सबके लिए यहां पे एक समान एल्गोरिथम काम करेगी जिससे हर सेलर्स को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।